21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र और मुंबई में विधानसभा का चुनाव हुआ और ये चुनाव जो है पूरे महाराष्ट्र भर में बहुत ही शांति के साथ में हुआ। लेकिन दो घटनाएं ऐसी हैं जो कि सामने आ रही हैं। पहली घटना है मुंबई से करीब थाने के अंबेडकर रोड पर विरोध जताया, ईवीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ईवीएम मशीन मुर्दाबाद के नारे लगाए और ईवीएम का विरोध किया। ईवीएम मशीन पर और बूथ पर जो है स्याही फेंकी, वहाँ बैठे कर्मचारियों पर भी स्याही फेंकी। दूसरी खबर है औरंगाबाद से, जहाँ पर एनसीपी और एमआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हो गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मौके पर एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और इन सरपंचों को जवाब दिया। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर बीच बचाव का काम किया। फिलहाल कोई ऐसी वारदात नहीं हुई और अमन कायम है, कोई बड़ा ऐसा हादसा नहीं हुआ। आइए देखते हैं दोनों खबरें, दोनों वीडियो। पहली खबर हम लेते हैं थाने के अंबेडकर रोड से, जहां पर सुनील खांबे नाम के शख्स ने ईवीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। वैदिक मार्ग आहे आम्हाला, लोक पहिले आलेल्या ईव्हीएम मशीन मुर्दाबाद, ईव्हीएम मुळे लोकशाही धोक्यात आलेली आहे। तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की सर्व मित्रपक्ष सगळ्या पक्षांना गुंडाळलेला म्हणजे हा केवळ आणि केवळ ईव्हीएमचा खेळ आहे आणि ईव्हीएम मुळे या देशाला धोका झालेला आहे, ईव्हीएम मुळे लोकशाहीला धोका झालेला आहे आणि म्हणून मला फासावर चढवलं तरी चालेल, परंतु या ईव्हीएमचा हा खेळ आम्ही सहन करणार, ईव्हीएमचा खेळ आम्ही हाणून पाडणार। ईव्हीएम हे बंद झालं पाहिजे, लोकशाही जर जीवित ठेवायची असेल तर ईव्हीएमचा हा विषय संपूर्ण भारतामध्ये झाला पाहिजे। ईव्हीएम आपला पुढचा पाणी पे आहे। Oh, my God.
Hey, 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 hey